क्या आप जानते हैं कि कामयाब और नाकाम लोगों में बुनियादी फर्क क्या होता है? जी बिल्कुल, कामयाब और नाकाम लोगों में 5 बुनियादी बातों का फर्क होता है। कामयाब लोग गोल सेट करते हैं, जबकि नाकाम लोग बेमकसद वक्त और जिंदगी गुजारते हैं। ये नहीं कि लोग कुछ बनने का ख्वाब नहीं देखते, मगर उनके पास इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए कोई वाज़े प्लान नहीं होता। वो किसी मकसद को पाने के लिए पहले गोल सेट करके उनको महीनों या दिनों में तकसीम करते हैं, उन पर नजर नहीं रखते, जबकि कामयाब लोग गोल सेट करके रोजाना प्लान के मुताबिक उनको पाने के करीब तर होते जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क होता है कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान। कामयाब लोग हर मुफीद आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, जबकि नाकाम लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। लोगों को पता भी होता है कि फलां काम को करना या उससे रुक जाना फायदेमंद है, मगर उसको कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। अगर करते भी हैं तो जल्द ही हिम्मत हार कर पीछा छुड़ा लेते हैं। मगर कुछ लोग कामयाब बनने के लिए अपनी कुव्वत इरादी को मजबूत बनाते, अच्छी आदत को पुख्ता करने के लिए जुटे रहते हैं। कामयाब लोग दिली शुक्रगुजार होते हैं, जबकि नाकाम लोग हसद और मुनाफकत का जज्बा रखते हैं। कुछ लोग हर मुश्किल और नाकामी में भी अच्छे अखलाक और सब्र का मुजाहरा करते हैं, हर हाल में शुक्र और आजजी अपनाते हैं। वो दूसरों को भी कामयाब बनाने में मदद करते हैं और उनको कामयाब होता देखकर खुश होते हैं, मगर नाकाम लोग उसके बरक्स होते हैं। ऊपर से खुशी होने की अदाकारी करते, अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने में मसरूफ होते हैं, या फिर हसद के मारे जलते कुड़ते दूसरों पर सिर्फ तनकीद करते हैं। ये सबसे बड़ा बुनियादी फर्क होता है कामयाब और नाकाम लोगों में। कामयाब लोग अपने आप पर फोकस रखते हैं, जबकि नाकाम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। अच्छे अफराद अपने आप को बेहतर बनाने की तगोदो में मसरूफ रहते हैं और दूसरों की कमियों और कोताहियों को नजरअंदाज करते हैं, मगर नाकाम बनने वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी के बारे में कोई मनफी बात हाथ आ जाए तो सही, तो फिर उसको जलील करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते और अपनी कमजोरियों और गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहें। कामयाब लोग दूसरों के साथ ख्यालात और मालूमात शेयर करते हैं, जबकि नाकाम लोग छुपा छुपा के रखते हैं। दूसरों के साथ अपने इल्म को बयान करना और नए नए आइडियाज को डिस्कस करना जहां कामयाब फर्द की बेहतरीन आदत होती है, वहीं पर नाकाम लोग अपने इल्म और हुनर को अपने तक महदूद करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा करने से वो जिंदगी में आगे निकल सकते हैं, मगर ये उनकी भूल होती है। अगर आप भी कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो इन 5 बातों का ख्याल जरूर रखिएगा।